सर बनके लगभग तैयार है और वहाँ देख सकते हो ये दोनों हाथ साइड से और यहाँ सर लगभग बनके तैयार है। तो ये रावण का आप सर देख रहे होंगे, ये रावण का सर बन के तैयार है, उधर तरह बन के तैयार है और देखते हैं मेले में क्या क्या तैयारी चल रही है, क्या झूले लगे हुए हैं, क्या क्या है। मेरा प्रगति की ओर है। अच्छा, ये भाई साहब बता रहे हैं कुछ। हाँ जी भाई साहब, मेरा प्रगति की ओर है, रावण का मेला है। अच्छा, तो क्या क्या धूमधाम से मनाया जाता है? कितने वर्षों से चल रहा है ये मेला? ये बहुत वर्षों से चल रहा है, हम तो अगर बहुत छोटे हैं। अच्छा, बहुत पहले की पीढ़ी चल रहा है। अच्छा, यहाँ का रावण दहन बहुत बढ़िया होता है। तो मुँह में शाम को क्या तैयारी कर रखी है? तैयारी पूरी तैयारी रख रखी है। रावण जलेगा, इसके मुंह में इतनी तरह की लाइट जलेंगी, देखें दिखाया दृश्य होगा। अच्छा, तो राम जी और सीता जी कहाँ हैं? राम जी सीता जी रामलीला कमेटी में रामलीला चल रही है। अच्छा, रावण दहन करने के लिए पलंग से आएंगे। तो अभी देखो शाम को काली इसके चक्कर लगाएगी, काली माँ भी आएंगी और जिन्होंने जैसा बताया कि काली माँ आएंगी और राम को श्री राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी भी होंगे, हनुमान जी भी होंगे और रावण का दहन करेंगे। तो देखते हैं, आप चलते हैं यहाँ से रामलीला कमेटी की ओर, वहाँ देखते हैं क्या क्या तैयारी है। आ गए हैं रास्ते में, ये टेसू मिले हैं, मेले का ही है ये भी, पूरा ट्रैक है, इसी रास्ते से राम निकलेगी रात को, राम जी हनुमान जी और लक्ष्मण जी काली माँ के साथ बहुत भक्त झांकियों के साथ यहाँ से ही मेला निकलेगा। तो ये टेसू लगे हुए हैं चारों तरफ, आप देख रहे होंगे। तो सुरभि को एक टेसू पसंद आया है तो सुरभि को दिलाते हैं। कौन सा पसंद आ रहा है? ये तो बहुत बड़ा है, ये क्या करेगी इतने बड़े का टेसू का? वैसे लड़कियाँ झांझी लेती हैं बेटा, झांझी लेती हैं झांझी। चलो तो फिर इसी को ले लेते हैं। कितने का बेटा ये है? ये 30 का है, वो 50 का है, ये बड़ा वाला 500 रुपये का। तो इसका क्या होता है? घर में लगा जाता है। इधर घड़ी हो बैठी, क्या घड़ी हो close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storm। तो आज आए हैं हम रावण वाले मेले में, तो यहाँ रावण का मेला लगाया जाएगा, तो देखते हैं कैसी तैयारी है। तो वैसे ही तैयारी काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रही है, तो यहाँ तैयारी हो रही है, यहाँ रावण तख्त रखा हुआ है, वहाँ पर रखा हुआ है और रावण को बनाने वाले कारीगर अपने काम में जुटे हुए हैं। तो अभी रोहित से कहते हैं कि पास जाकर थोड़ा सा दिखाएं रावण की कितनी तैयारी हो चुकी है यहाँ पे। तो चल रहे हैं, देखते हैं क्या तैयारी है। सर बन के तैयार है, दड़ बन के तैयार है लगभग, और 4 बजे रावण को सीधा किया जाएगा ताकि मेले को संपन्न किया जा सके। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे चलेंगे रामलीला ग्राउंड, वहाँ देखते हैं क्या तैयारी चल रही है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा पानी आसपास देखने को मिलेगा, शायद रात शाम को जब मेला लगे तो थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़े। तो दिखाते हैं आपको थोड़ा सा आगे, पानी भरा हुआ है चारों तरफ। तो यहाँ बड़े बुजुर्ग बच्चे जो आएंगे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखो सामने तो आप देख सकते हो यहाँ पे चारों तरफ बारिश का पानी भरा हुआ है, कीचड़ हो रही है दलदली मिट्टी में। शाम को देखते हैं कैसा होता है यहाँ आने के बाद रावण का मेला। वैसे झूले वूले भी काफ़ी आ चुके हैं, अभी चलते हैं झूलों के पास और यहाँ रावण की लगभग तैयारी पूर्ण हो चुकी है। तो अभी बात करते हैं कुछ कारीगरों से जो मेल रावण को बनाने में कर्ज में लगे हुए हैं, तो क्या खर्चा आता है, कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, अभी इनसे बात करते हैं। शायद अभी आपको मिलवाते हैं, ये पिछले 40 वर्षों से लगे हुए हैं रावण के निर्माण के कार्य में, तो उनसे बात करते हैं क्या खर्चा आता है और कैसे इसकी तैयारी की जाती है कितने दिनों पहले। तो भाई जी बताएंगे आप कितना खर्चा आता है रावण को बनाने में लगभग, बताओ बताओ। आपको देख रहे हैं 20 दिन कार्य करते हुए कितना खर्चा आ जाता है? डेढ़ लाख रुपये का, तो बता रहे हैं 1.5 लाख लगभग खर्चा आता है और कोविड के बाद थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है, उसकी वजह से रावण के खर्चा है उसमें भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। तो इस बार लगभग ये बता रहे हैं 1.5 लाख का खर्चा इसका जो ठेका है वो उठा है और 1.5 लाख की लागत आई है। तो 20 दिन
लगातार उन्होंने दिन रात मेहनत से इस फ्लावर के फूले को तैयार किया है, दिखाते हैं लगभग कितना कार्य पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं बच्चों के झूले वहाँ से तैयारी कर रही है, अभी वैसे ही तैयारी में कुछ सकते हैं झूले की। लेकिन यहाँ थोड़ी सी मेरे को समस्या दिख रही है कि यहाँ तारे में कुछ चढ़ी हुई है, बलबल हुआ पड़ा है, तो लोग बाग आएंगे, बच्चे आएंगे, बड़े झूले आएंगे, तो झूले में कैसे झूले का तो बताएंगे। तो ये समस्या दिख रही है, यहाँ किसी का ध्यान नहीं है, क्या हो सकता है अभी टाइम में कैसा बनते हैं, तो मिट्टी मिट्टी डाल के थोड़ा सा इसे समतल किया जाए और मेले को भव्य बनाने की पूरी कोशिश की जाए। तो उधर भी मेले लग चुके हैं, सामने भी देखो झूले झूले कुछ दिख रहे हैं, तो तैयारी युद्ध स्तर पे। अब देखते हैं यहाँ से रामलीला ग्राउंड की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या चल रहा है, फिर शाम को मेले का आपको दिखाते हैं रावण दहन का दृश्य। किनको मुझे क्या पता, तेरे दोस्त हैं तो फिर भी झूले का आनंद लेती हुई। सोती है प्रभु बन जाई, सोती है प्रभु बन जाई।